अस्पताल और तीन बड़े हॉल में मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं, बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। आईसीयू समेत वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं भी यहां पर अस्पताल में उपलब्ध होंगी और संक्रमितों के लिए लगाया गया है ऑक्सीजन प्लांट और होल्डिंग एरिया में अस्थायी निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें, तीन बड़े हॉल्स यहां पर तैयार किए जा रहे हैं, 300 बेड्स का अस्पताल यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो अवध शिल्पग्राम की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल तैयार किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राहत पहुंचाने वाली खबर है कि जो डीआरडीओ द्वारा जो है 600 बेडों का जो हॉस्पिटल तैयार होना था, वो अवध शिल्पग्राम में जो है युद्ध स्तर पर जो इसकी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जो 600 बेडों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है करने के लिए जो है तीन बड़े हॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर जो 600 बेड लगाए जाएंगे उसमें सीधे तौर पे जो है ऑक्सीजन प्लांट की जो है व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट के जरिए जो पाइपलाइन है ऑक्सीजन की, उसको सभी वार्डों तक पहुँचाया गया है। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो पाइपलाइन है इसी को सीधे जो है बाहर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है उससे अटैच किया जाएगा और इन पाइपों के जरिए जो है सभी बेडों पर जो तमाम मरीज हैं उनको जो है ऑक्सीजन जो है मुहैया हो पाएगी। जो वेंटिलेटर है उसकी भी यहां पे व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन सुंदर साधन कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं लखनऊ में